देखो दरोगा जी, सब बता दूंगा। दो शर्त हैं। पहली, बयान के बाद शराब पिलाओगे, और दूसरी, सरकारी गाड़ी में ट्रेवल नहीं कराओगे। जी गया तो लाला जी के यहाँ डकैती डालने ही था। लूट शांति से हो भी गई थी जी। इधर मैं बाहर को निकल रहा था, उधर मिश्री लाला गुसल खाने से बाहर आ गई। और जी मामला लूट से जरूरत पे आ गया। आपकी भाभी 6 महीने पहले निकल ली थी, और लल्ला जी भी पिछले 3 हफ्ते से विदेश यात्रा पे थे, बिजनेस ट्रिप। भूखी तो मिसे लाला भी होंगी, ऐसा मैंने सोचा। फिर पूछ दिया जी। और हमेशा की तरह ना मुझसे रहा ना गया जी। मैं गलती से हो गया जी। करते हुए भी समझा रहा था जी, कोऑपरेट कर, इंजॉय ले, पर ना छड़ो बचाओ, काओ काओ कच कच, मुझसे रहा नहीं गया जी। छुरी निकाली और गर्दन फट ढाले। तेरी भी नजर थी क्या लाल लाइन पे? सॉरी। चाय मंगा ले, चाय। और बुढ़िया उम्र 78 साल, नाम फाल्गुनी देवी। देखो तो दांत और गहने दो ही चीज नजर आए। मैंने बोला हाय, दर्द ना हो जाता है अम्मा इतने गहने शरीर पे लाद के? और अम्मा ने पेटीकोट में हाथ घेरा, पिस्तौल निकाल ली। और मेरी नाजी हंसी छूट गई। मैंने बोला अम्मा कुछ खाने को दे दे, तेरे पोते के उम्रों का होगा। और अम्मा ने पटाखा फोड़ दिया। मैं दुबका सोफे के पीछे, सोफे से मेज, मेज से पलंग, पलंग से अलमारी, और अम्मा नॉन स्टॉप धाए धाए धाए। मैंने जी आत्म रक्षा में फूलदान चला दी, और लगते ही अम्मा जी ढेर। ओ मैं भाव विभोर जी, बह गया इमोशन में। आवाज सुन के ध्यान हटा तो देखा लट लिए 3 खड़े हैं मोहल्ले के फौजी, गोलियों की आवाज सुन के आ गए होंगे। मैंने अम्मा की पिस्तौल ली और धाए धाए। क्या ला लाल लाइन और अम्मा जी ने इतना थका दिया था कि और फिजिकल नहीं कर सकता था जी। देखो दरोगा जी, ये लाल लाइन का केस तो बना दो, रेप और मर्डर। पर अम्मा और मोहल्ले के फौजी, उनको आत्मरक्षा में मारा, तो यह केस उनके घर वालों पे बना दो। कानून की नजर में सब बराबर होते हैं जी। हाँ? दरोगा जी, प्राइवेट गाड़ी तो मिली नहीं, और अपनी गाड़ी सुबह 5:30 बजे तक ही आएगी। थाने में इतला कर दे कि राठी का बयान ले लिया है, गाड़ी आते ही यहां से निकल लेंगे। चलो भाई राठी, साइन कर दे बयान पे। खोल। बोतल? जब गाड़ी नहीं आई तो बोतल कहां से आएगी? पहले बोतल नहीं और सरकारी गाड़ी में सवारी। नो, हरगिज नहीं। धोखा, डबल धोखा।
मंदिर से चप्पल चुराता है, समाज के कोढ़। साले लोग पूजा करने जाते हैं वहां पे, भगवान माफ नहीं करेगा तुझे, बता रहा हूँ। भाई साहब, मैं आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगा। अबे रोज जइयो, पर इस नियत से नहीं। हट। हंस हंस, आप जान मुर्गा बल, ईमानदारी से 10 मिनट बाद उठियो और निकल जइयो। विदेशी माल। दरोगा जी, तुम भी बेईमान निकले। आंटी जी, ये क्या है? पानी का जहाज। एक गाड़ी लूटी थी, खटारा निकली, सुसरी रास्ते में बंद पड़ गई, तो यो छीननी पड़ी। अब टाइम मत ना वेस्ट करो, ठेका बंद हो जाएगा, डंडे पे आ जाओ। जय बा। अरे राठी जी, बस पूछो मत ना। जय भाटी जी, स्टेमिना बड़ा तगड़ा है तुम्हारा, इस उम्र में भी खींच रहे हो बिना आपने। राठी जी, रात को दबा के दारू और दिन में दूध शहद वाला, हमारे जैसे हो जाओगे। दूध के तो हम भी शौकीन है, पर गाय भैंस नहीं, हमें तो डायरेक्ट चाहिए। राठी जी, 34 के हो गए, बातें करते हो 14 वाले। ठीक 14 घंटे चौके में बिता के आया हूँ। अच्छा, मतलब आप तो भगवान के भैया हो गए। कैसे? बस थोड़ा ही फर्क है, उन्होंने 14 बरस वनवास में काटे और आपने 14 घंटे चौकी में। एक और फर्क है, उनकी वापसी पे पटाखे फूटे थे, दिवाली मनी थी, पर अपनी वापसी सुननी। नॉट गुड। लो मन की दिवाली। भाई के होते दिल छोटा ना किया करो।